ओए होए होए मलाई बोटी क्या बात है। सादा पराठा दे उस्ताद लगा उन्होंने फुल लाल करन ते आलू वाला पराठा ते आलू पर दिते ने हुन पराठा तैयार होन लगा आलू वाला ते उस्ताद ने लाता आलू वाला पराठा। ओए होए होए जे इधर आ चुके आलू वाला पराठा ते अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब खैर वाफियत होंगे। तो दोस्तों आज हम आए एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने मलाई बोटी पहले से लगाई हुई है, तो हमारा भी दिल किया कि हम भी इन्हें मलाई बोटी का ही ऑर्डर कर दें। कोयले पकाए हुए हैं, धुआं निकली जा रहा है तो खुशबू उड़ी जा रही है, तो इधर वड्डा जिहा इन्होंने तवा रखा है। तो मैं कह रहा हूँ क्या बात है तवे की, क्या बात है जी। तो इत्थे वेखो पराठियां दे फुल जोर ला रहे ने उस्ताद जी, भरे हुए पेड़े ने ते पड़े हुए पेड़े जड़े ने उस्ताद जी नरम करके पराठे सुटन लगे ने। क्या बात है उस्ताद, उस्ताद ने मलना शुरू करता है वेलने नाल पराठियां नू, ते क्या बात है उस्ताद दी। ये देखें जी फुल वेल रहे हैं, इस टाइम फुल वेले जा रहे हैं पराठे। पराठा तैयार हो गया और उस्ताद ने पाता तवे दे पराठा। लो जी इस पास असी वेख्या तो साडा भी जड़ा मलाई बोटी वो लग गई है, तो भा होर ने कोयलिया से चढ़ाती मलाई बोटी। तो क्या बात है उस्ताद की, इधर उस्ताद नहीं बढ़िया जा रहा, इधर उस्ताद जी फुल पराठे कर रहे हैं, तो दूजे पास वेखो तो जलेबियाँ आए हाए हाए क्या बात है। पाकिस्तानी समोसे ओए होए होए होए, पकौड़े क्या बात है, मैं कह रहे मज़ा आ गया, वेख के दिल खुश हो गया। पकौड़े जलेबियाँ नमक पारे भी हैं, आए हाय 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 दिल खुश हो गया, मैं कह रहा पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। इधर वेखो तो उस्ताद नप नप के पराठे जड़ा वो लाल करी जा रहा है, हल्का जहा तेल लाता है तो पराठे लाल करी जाता है। क्या बात है, मैं कह रहा मज़ा आ गया, पाकिस्तान की याद ताज़ा करती उस्ताद ने ना। ओए होए होए ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान दोबारा वापस आ गए हम। और यहाँ पे जो है ये अब हमने दिया था आलू वाले पराठे का ऑर्डर और ये भाई साहब ले आए हैं ट्रे और इसमें से अब ये निकालेंगे पेड़े और हमारे आलू वाले पराठे की लगाएंगे तैयारी। तो देखते हैं कि आलू वाला पराठा ये किस तरह बनाते हैं, अब आप लोगों को भी बताएंगे। ये ले आए हैं छोटे छोटे दो पेड़े, उनको इन्होंने बेलना शुरू कर दिया और रख दिया उनको बेल के। तो जी ये देखें क्या बात है, बेल के पराठों को रख दिया। अब इसके अंदर डाला जाएगा आलू, क्या बात है। ओए होए होए आलू का टेक्सचर जो है, मैं कह रहा हूँ फुल जो है ना मसाले वाले आलू हैं, मज़ा आ गया देख के ना आलुओं को। पराठे के अंदर फुल हैवी काम कर दिए इन्होंने आलू भर के। ओए होए 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 ऊपर से जो दूसरी तह है, ओए होए 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 कमाल कर दिया, दूसरी तह लगा दी अब इन्होंने, रोटी की दूसरी तह लगा दी। अब तेल लगा के फुल जो है दबाया जा रहा है इस टाइम आलू वाले पराठे को। मज़ा आ गया, कमाल हो गया। ओए होए 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 उस्ताद नू गया सी किनारे थोड़े बरीक कर दिए, तो उस्ताद ने बड़ा चंगा करके जड़ा पराठा वेलिया तो बनाया। मैं कह रहा मज़ा आ गया, क्या बात है उस्ताद की। ओए होए 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 ये देखें जी फुल बेहतरीन करके तैयार हो गया आलू वाला पराठा और ये डाल दिया इन्होंने तवे के ऊपर। थोड़ा सा ये गर्म होगा तो फिर इसको अब ये तेल लगाएंगे, शशका देंगे। ये देखें जी थोड़ा सा लाल हो गया, पक गया, तो उसको थोड़ा सा सेक दे के उसके ऊपर तेल का छिड़काव करके फिर जो है इसको ये लाल करेंगे। ओए होए 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 मैं कह रहा इतने जड़ा तेल पाने के बाद पराठे ने रंग पड़े हैं, क्या बात है, मज़ा आ गया। ओए होए 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 जड़ी खुशबू आ रही है ना धुएं के नाल, जड़ी खुशबू उड़ रही है वो कमाल है, अखीर खुशबू है। ओए होए 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 मज़ा आ गया, क्या बात है इनके पराठे की। दूसरी दफ़ा मैं खा रहा हूँ, आप भी कभी ओमान आए तो ज़रूर इनसे पराठा ट्राई करें। गोबरा में इनका रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है गोबरा में, तो मोबाइल मार्केट के बिल्कुल बैक साइड में इनका रेस्टोरेंट है। तो पराठा हमारा तैयार हो गया, अब देखते हैं आगे चल के। पराठे के साथ हमने ऑर्डर किया था साथ मलाई बोटी की एक सीख, क्योंकि पराठा काफ़ी हैवी हो जाता है
खाली पराठा ही खा लें तो बंदे का पेट भर जाता है। ये पराठा बहुत बड़ा है, जिस तरह पाकिस्तान में लिबर्टी मार्केट में लाहौर में लिबर्टी मार्केट गोल चक्कर के उधर मिलते हैं ना कराची पराठे, बिल्कुल उस तरह का इन्होंने हैवी स्टाइल का पराठा बनाया है। तो पराठे को इस टाइम ये फुल लाल कर रहे हैं आप, क्योंकि वरना कच्चा पराठा जो है थोड़ा सा वो खाने का मज़ा नहीं आता। ये इन्होंने पराठा फुल अच्छे तरीके से लाल कर दिया। अब ये जी इन्होंने प्लेट में रख के दे दिया और साथ आ गए हैं मलाई बोटी और साथ रायता। ओए होए 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 होए, मैं कह रहा हूँ देख के तो मुँह में पानी आ गया। मलाई बोटी ओए होए, फुल जूसी किस्म की मलाई बोटी है, साथ आलू का पराठा। पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है एक दफ़ा। देख के बताएं आप लोग भी, आप लोगों को कैसा लगा आलू का पराठा और मलाई बोटी। साथ आ गई है चाय और गुलाब जामुन, फुल मज़ा जो है ज़िंदगी का वो ताज़ा कर दिया चाय और गुलाब जामुन।